महात्मा गांधी की जयंती पर पीएम मोदी ने राजघाट पर श्रद्धांजलि अर्पित की। बोले, बापू के आदर्श हमें समृद्ध और दयालु भारत बनाने में मार्गदर्शन करते रहेंगे। बापू ने देश को दिखाया सुधार का रास्ता। गांधी जयंती पर किसानों का हल्ला बोल, पंजाब में रेल रोको अभियान, दिल्ली तक किसानों ने किया घेराव। सोनिया ने कहा, किसानों को खून के आंसू रुला रही मोदी सरकार। हाथरस के सहारे बिहार के दलितों को साधने में जुटी कांग्रेस। बिहार में दलित मतदाताओं की आबादी 16%, पीड़िता के पक्ष में खड़े होकर कांग्रेस ने दिया संदेश। लाल बहादुर शास्त्री की 116वीं जयंती, विजय घाट जाकर राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति कोविंद ने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उनकी स्मृति को नमन। सुप्रीम कोर्ट में अब चीफ जस्टिस और 7 वरिष्ठ जज सुनेंगे जनहित याचिका। 5 अक्टूबर को होगा बदलाव। पत्र याचिकाओं और सामाजिक न्याय के मुद्दे भी वरिष्ठ जजों की पीठ को सौंपे जाएंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का मंथन। दुर्गा पूजा से पहले अमित शाह कर सकते हैं दौरा। 2021 में होने वाले हैं विधानसभा चुनाव। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले गांधी जयंती को मनाने में जुटी बीजेपी। उपचुनाव वाले सभी 127 मंडलों में करेगी सम्मेलन। 15 अक्टूबर तक विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित किए जाएंगे कार्यक्रम। आज छत्तीसगढ़ की जनता को सौगात देंगे सीएम बघेल। महात्मा गांधी उदयनिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे भूमि पूजन। दुर्ग जिले को देंगे 253 करोड़ के विकास कार्यों का तोहफा। सुशांत के जीजा विशाल सिंह को केस सुलझाने पर संदेह, लिखा क्या न्याय मिलेगा। सीबीआई ने कहा, जारी है केस की जांच पड़ताल। आज होगा सीएसके और हैदराबाद के बीच मैच। सीएसके के मुख्य कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने कहा, सीएसके ने 6 दिन के गैप का इस्तेमाल शानदार तरीके से किया। पाकिस्तान की सीमा में अवैध प्रवेश के आरोप में भारतीय नागरिक गिरफ्तार। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सियालकोट जिले में गिरफ्तार किया गया है शख्स। 19 भारतीय नागरिक पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में जेलों में है बंद। चीन को अमेरिका की खरी खरी, कहा 60 साल से भारत का है अरुणाचल प्रदेश, चीन नहीं कर सकता प्रदेश पर कब्जा। पाकिस्तान में कुलभूषण जाधव को वकील मिलने पर सस्पेंस बरकरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 6 अक्टूबर को होगी सुनवाई। जाधव के लिए वकील नियुक्त किए जाने पर होगा फैसला। आर्मेनिया के खिलाफ जंग में कूदे सीरियाई आतंकी। तुर्की को फ्रांस ने दिया करारा जवाब। फ्रांस भी आर्मेनिया के साथ आया। चीन रूस उत्तर कोरिया से टक्कर की तैयारी। जापान के रक्षा बजट में रिकॉर्ड बढ़त। $52 अरब से मजबूत करेगा ताकत। भारतीय रेलवे ने पूर्वा एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन के बढ़ाए फेरे। त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने उठाया कदम। रेलवे की तरफ से सूचना भी जारी की गई। सरकार ने 5 दिन में पंजाब हरियाणा से MSP पर खरीदा करीब 1,00,000 टन धान। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों को मनाने की कोशिश में सरकार। केंद्र ने कहा, MSP में खरीद को खत्म करने का कोई इरादा नहीं। विमान ईंधन हुआ 2% महंगा। केरोसिन 2.19 रुपए प्रति लीटर सस्ता। अंतर्राष्ट्रीय लागत के अनुरूप उठाया गया कदम। जनता को मिली महंगाई से राहत। ICICI बैंक और बैंक ऑफ इंडिया ने घटाई ब्याज दरें। सस्ता हुआ लोन लेना। और आज फिर डीजल की कीमतों में आई कमी। डीजल 7 पैसे हुआ सस्ता। डीजल का दाम 70 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर पर आ गया। पेट्रोल की कीमत में नहीं आई कोई कमी।